तो ये हमारी स्पेशल नमकीन चावल की रेसिपी तैयार है राजीव किचन स्टाइल में। इस रेसिपी के लिए हमने 500 ग्राम कच्चा चावल लिया है, आप चाहे तो बासमती राइस भी ले सकते हैं, 200 ग्राम पनीर, 200 ग्राम गोभी का टुकड़ा और एक बड़े साइज़ का प्याज, दो हरी मिर्च, 150 ग्राम के आसपास मूंगफली के दाने हमने लिए हैं। तो अब हम एक कढ़ाई में पनीर को पहले तल लेंगे। तो आप इस प्रकार से आप बनाएंगे स्पेशल नमकीन चावल की रेसिपी को तो बहुत ही आनंद आने वाला है। तो ये देखिए हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हमने गोभी को भी फ्राई किया है, तो आप भी गोभी को इस प्रकार से फ्राई कर लें। नमकीन चावल की रेसिपी आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो ये देखिए हमारा गोभी भी फाइनली फ्राई हो चुका है, बिल्कुल सुनहरा हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हमने मूँगफली के दाने को भी हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया इसे तेल में। आप चाहें तो इसे बिल्कुल हल्के तेलों में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनली सारा हमने फ्राई कर लिया सारी सब्जी को। तो अब हम 4 से 5 तेज़पत्ता डालेंगे और 1 बड़ी चम्मच जीरा डालेंगे हम, उसे थोड़ा सा इधर रोस्ट कर लेंगे हम। तो उसके बाद हमने प्याज और हरी मिर्च हमने 4 से 5 लिया था। प्याज को हमने एक प्याज को 5 से 6 टुकड़ों हमने काटा है और उसे इस प्रकार के शेप में रखा है ताकि प्याज थोड़ा हमारा बड़ा दिखे। तो ये देखिए हमारा प्याज भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे चावल को डालेंगे। चावल को हमने धो के रखा था 2 से 3 मिनट पहले। तो ये देखिए हमारा 1/2 kg चावल है यहाँ पे, तो हमने 500 ग्राम के आसपास बनाया। इस इतनी मात्रा में हम लगभग 4 से 5 आदमी आप आराम से खा सकते हैं। तो ये देखिए चावल को हम इसे भून लेंगे अच्छे से लगभग 3 से 4 मिनट तक, इसका पानी सूख जाएगा तभी हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए हमारा भून चुका है चावल, तब हम यहाँ पे इस स्टेज में नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालें इसको इसमें। तो ये देखिए तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसमें 1.5 गुना के आसपास ऐड करना है हमें, 1.5 गुना सब ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो ये हमारा गीला बन जाएगा। तो हमने जिस बर्तन से दिया था उसी बर्तन से हमने 1.5 गुना पानी इसमें डाला है। तो पानी डालने के बाद हम इसे चला लेंगे, उसके बाद हम इसे कवर करके पकाएँगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। ज़्यादा फ्लेम को हम तेज़ भी नहीं करेंगे, एक बार हम बीच में चला के इसे देख लेंगे और थोड़ी सी हम चला लेंगे इसे। उसके बाद हम इसे फिर से कवर करके हम इसे पकने देंगे। तो ये लगभग 10 से 12 मिनट में पक जाएगा। तो ये देखिए हमारा फाइनली पक चुका है। इसे हम कवर करके रखेंगे और इसमें जितने भी हरी सब्जी हमने फ्राई किया था, पनीर, गोभी और मूँगफली के दाने, तो हम इस प्रकार से थोड़ा सा फैला देंगे हम इसे और मूंगफली के दाने जो हमने फ्राई किया था ऊपर से इसे डाल देंगे। और इसे डालने के बाद हम लगभग इसे 10 से 15 मिनट तक कवर करके इसे रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हरी धनिया का पत्ता भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो हम इसे 10 से 15 मिनट हमने कवर करके रखा था, तो अब हम इसे निकाल के इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमने 10 से 15 मिनट बाद इसे ढक्कन हटा के इसे हम अब अच्छे से मिला देंगे इसमें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये हमारा स्पेशल नमकीन चावल की रेसिपी। तो ये देखिए हमने सारे चावल को एक साथ मिला दिया है। तो इसी प्रकार से आप भी इसे मिला के आप सर्व करेंगे। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल गर्मा गर्म स्पेशल नमकीन चावल की रेसिपी बनके तैयार है। तो
आप भी इस प्रकार से अपने घर पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। बहुत ही इसका स्वाद अच्छा होता है और ये खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये स्पेशल नमकीन चावल की रेसिपी बनके तैयार है, वो भी राजीव किचन स्टाइल में। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।